स्टेशन रोड पर मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित शाखेवार के निर्देशन में एक सनसनीखेज लूट की वारदात का पर्दाफाश किया गया है। ई रिक्शा को किराए पर लेकर लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक ई रिक्शा में बैरियर चौराहे से तीन लोग सवारी बनकर लालौर गांव तक जाने का सौदा तय कर बैठे और लालौर गांव के सुनसान इलाके में चालक के रुपए, मोबाइल और ई रिक्शा लूटकर फरार हो गए। एक घटना की चालक ने स्टेशन रोड पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद साइबर सेल की मदद से पुलिस ने सनसनीखेज लूट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर ई रिक्शा और लूटा हुआ मोबाइल और उसके पैसे बरामद किए हैं। इसमें 14 अगस्त की शाम को एक राजू कुशवाहा नामक ई रिक्शा चालक है, जौरी गांव के रहने वाले हैं। इनको कोई तीन सवारी मिली इस बात को कहकर कि उन्हें लालौर तक जाना है और किराए की सौदा होने के उपरांत में वो बैरियर किराए से इनको लेकर के चले। लालौर फाटक निकलने के बाद में उन तीनों के द्वारा एक कच्चे दगरे पर डाल दिया गया उस रिक्शा को, इस रास्ते से चलना है। थोड़ा अंधेरे माहौल को देखते हुए उन तीनों ने रिक्शा चालक से उसका रिक्शा छीन लिया, उसको दरा धमका के मारपीट करके उसके पैसे और मोबाइल छीन लिए। इसके संदर्भ में थाना में अपराध क्रमांक 529 पंजीबद्ध किया गया और मामला पंजीबद्ध होने के बाद में विवेचना में आने के उपरांत जो मोबाइल चोरी गया था उसमें साइबर सेल की मदद ली गई और करीब 2 अक्टूबर को साइबर सेल ने हमको ये स्पष्ट किया कि उक्त नंबर पर एक चोरी गए मोबाइल पर एक नया नंबर चालू हुआ है। पर्याप्त तो संभव है कि वो उस चोर का लूट करने वाले व्यक्ति का हो, जिसकी तस्दीक आज की गई। संदेही को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसके साथ उसके 2 अन्य मित्र और जो उसके समाज के ही हैं उनके साथ मिलकर उसने ई रिक्शा चुराया था और ई रिक्शा को बेचने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो ई रिक्शा बेच नहीं पाया और मोबाइल जो लूट किया था वो इसने ई रिक्शा अपने हिस्से में रखा। ई रिक्शा की बैटरियाँ, जो 4 बैटरी उसमें लगती हैं, वो अपने हिस्सेदारों को दे दी। उन दोनों को भी इसमें नामजद किया गया है और जो मुख्य आरोपी है जिससे कि बरामदगी ई रिक्शा की और मोबाइल फोन की हुई है उसे गिरफ्तार किया गया। आज न्यायालय पेश किया। सर वो चोर पकड़ा उससे अन्य भी चोरी का खुलासा हुआ है? हाँ, अभी अन्य किसी चोरी का कोई खुलासा अभी किया नहीं है उन्होंने कि कोई अन्य घटना में उन्होंने शुमार हुए या कोई और घटना की गई, ऐसा भी पूछताछ में हुआ नहीं।